हाय दोस्तों, सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इडली बैटर की रेसिपी। बहुत आसानी से बना सकते हैं ये इडली बैटर। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। अब चलिए चलते हैं हमारी रेसिपी में। अब सॉफ्ट एंड फ्लफी इडली बनाने के लिए पहले हमें चाहिए उड़द दाल। उड़द दाल 1 कप चाहिए। अगर आपको ग्लास में मेशर करना है तो नॉर्मल ग्लास भी यूज कर सकते हैं। 1 कप उड़द दाल के लिए 3 कप इडली राइस चाहिए। 1 कप उड़द दाल के लिए 3 कप इडली राइस, मेजरमेंट पक्का होना चाहिए। अब उड़द दाल को धोना है, पर उड़द दाल को अच्छे से नहीं धोना है, बस एक ही बार धोना है, क्योंकि अगर बहुत बार धोए तो उसके जो फर्मेंटेशन के लिए जो बबल्स आते हैं ना, वो निकल जाएगा, तो हमारी इडली सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए बस एक ही बार धोना है, ये स्टेप ध्यान पर रख लीजिए, ठीक है। और इसको भिगो के रखना है, ज़्यादा पानी डाल के ये भिगो के रखना है। और नेक्स्ट हमें चावल अच्छे से धोना है, क्योंकि चावल के जो स्टार्च कंटेंट है ना, वो सब निकल जाना है, इसलिए अच्छे से धोना है। धो के ये भी भिगो के रखना है। ये दोनों 4 घंटे के लिए रखना है बस। अब 4 घंटे के बाद इसको ग्राइंड करना है। मैंने मिक्सर यूज़ करके ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंडर पे ग्राइंड करना है तो मेजरमेंट थोड़ा अलग है, उसका डिटेल्स मैंने वीडियो के एंड पे दिया है। और ये उड़द दाल अभी ग्राइंड करेंगे हम, वही पानी यूज़ करके ग्राइंड करना है जिसमें उड़द दाल भिगो के रखा है। और जो चावल का पानी है ना, वो फेंक देना है, मतलब वो यूज़ नहीं करना है। अब देखिए उड़द दाल अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब एक बर्तन में ये ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे ही चावल भी ग्राइंड करेंगे, और जो उड़द दाल का पानी है ना, वही यूज़ करना है चावल में भी, और इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। मिक्सर में डाल के 2 बार मैं ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि 3 कप राइस है ना, इसलिए। अब थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं, फिर टेस्ट के अनुसार नमक भी ऐड करना है। अब इस बैटर को अच्छे से मिलाना है, 10 मिनट मिलाते ही रहना है, तभी तो हमको बहुत मस्त इडली मिलेगी, फ्लफी वाली इडली मिलेगी। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपको टाइमर रखना है 10 मिनट के लिए तो रख लीजिए, क्योंकि 10 मिनट तो मिक्स करना ही है। और अब देखिए हमारा जो बैटर है ना, उसमें बबल्स आ गया है। बबल्स आने के लिए हम ऐसे मिक्स कर रही हूँ, जब तक बबल्स नहीं आए तब तक स्टॉप नहीं करना मिक्सिंग। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है, और इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, वैसे ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए, दोसा बैटर की जैसे कंसिस्टेंसी, क्योंकि सुबह वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको ढक के रखना है 8 आवर्स के लिए। मैंने तो ओवरनाइट रखा है। अब देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है इडली बनाने के लिए। बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफी बैटर बन गया है, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। और देखिए इसका कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है पहले से भी। अब हम इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए इडली का मोल्ड चाहिए, उसमें बटर लगाना है, उसके बाद बैटर डालना है। अब इसको स्टीम पे रखना है, अच्छे से पकने के लिए बस 10 मिनट ही लगेगा। और स्टोव का फ्लेम मीडियम पे करना है, मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट। अब देखिए 10 मिनट के बाद हमारी इडली तैयार हो गई है, बहुत फ्लफी बन गई है इडली। अब मैं इसको निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए बहुत सॉफ्ट लग रहा है, बहुत सॉफ्ट मतलब बहुत बहुत सॉफ्ट लग रहा है। देखिए बबली वाली इडली है ना, बहुत फ्लफी इडली है। आप सब लोग ये इडली बना लीजिए, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके ही बनाना है, क्योंकि अगर एक स्टेप मिस हो गया तो ऐसे वाली इडली नहीं मिलेगी। इसलिए 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स मैंने बताया है, वो सब फॉलो करके अगर इडली बना रहे तो बहुत मस्त फ्लफी वाली इडली मिल जाएगी, बहुत टेस्टी इडली मिल जाएगी। और ये चटनी के साथ या सांभर के साथ बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है, तो आप सब लोग ट्राई कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिए ये वीडियो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केरला रेसिपी के साथ मैं आती हूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।